आज हम आपको सैर करवाने लिए जा रहे हैं संगलदान की हसीन वादियों में, जो बसा है नीले आसमान के नीचे और हरे बड़े पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है दगन। तो चलिए दोस्तों लिए चलते हैं आपको खूबसूरत वादियों। दोस्तों अभी हम रुके हैं, ये एक छोटा सा चश्मा है, जो चश्मा मतलब आप बर्फ़ का पानी गर्मियों के दिनों में पिघल के पहाड़ों के बीच से होता हुआ चश्मे के रूप में के बाद पीने के बाद पहाड़ों के लोग अक्सर यही पानी यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तभी वो लोग इतने तंदुरुस्त इतने हेल्दी रहते हैं। सकते हैं हमारे अंकल जी हैं वो पूरी तरह इस पहाड़ के ठंडे पानी का मज़ा ले रहे हैं, उन्होंने हाथ मुंह भी यहाँ पे धोया, अच्छी तरह फ्रेश हो गए। तो चलिए दोस्तों अब आपको लिए चलते हैं, ये एक मज़ार है गूल में। इस मज़ार में माथा टेकने आए हैं, माथा टेकने के बाद हम आगे दगन टाप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है, नीले आसमान में के तले हरे भरे चीड़ के पेड़ और एक छोटा सा घर, बहुत प्यारा सा घर है। मतलब आज के टाइम पे शोर शराबे भरी ज़िंदगी में, पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी में लोग सुकून ढूंढते हैं, और ये ऐसी जगहों में से एक जगह है। यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे चैन है, पॉल्यूशन फ्री है, और दोस्तों ज़िंदगी बहुत ही सादी है। देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत नज़ारा है। इन वादियों से टकरा चुके आगे बढ़ते हैं हम दगन टाप की तरफ। अभी बढ़ रहे हैं दगन टाप की तरफ, आप देख सकते हैं क्या साफ मौसम है, कड़कती धूप में, बस धूप में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलेगा इसी दिन, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है पर्वतों से आज मैं खाना वाना बना के यहीं पे पहाड़ों में ही तो अपना टाइम पास करते हैं।
जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मेरा दिल का एक बज गया है, कहीं लगी है सुबह, हम 6 बजे निकले थे इन पहाड़ों में, तो अभी हम हो गया मेरा दिल देख के कहीं। तो दोस्तों एक शांत ये है अकेली जगह देख के हम ड्रिंक ड्रिंक सिंपल बैठ चुके हैं खाना खाने। आलू के परांठे हमें घर वालों ने डाल दिए, आम का अचार, पहाड़ी लोगों की सबसे खास जो डिश कहते हैं परांठे के साथ आम का अचार और लिप्टन चाय। चाय तो नहीं है तो हमने कोल्ड ड्रिंक ही ले लिया यहाँ पे, मजा ही आ गया, उसी से काम चलेंगे। चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं, वाह, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दगन टाप में जाने के बाद अब हम निकल चुके हैं रामा कुंडा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लोकल पब्लिक ने हमें बताया कि यहाँ से ज़्यादा लोग जो हैं रामा कुंडा में आए होते हैं घूमने के लिए, और ऐसा कुछ मालूम हुआ है कि वहाँ का थोड़ा रास्ता 2 किलोमीटर जैसा रास्ता जो है बहुत ख़राब है। अगर आप गाड़ी ले पाओ तो अच्छा, अदरवाइज़ गाड़ी को आपको खुद रोकना पड़ेगा 2 किलोमीटर पैदल ही बैठ रहा हूँ। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं रामागुंडा, वाकई में धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा लगता है। आज संडे है तो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपना म्यूज़िक सिस्टम भी साथ में लेके आए हैं जैसा हारमोनियम वगैरह, और ये डांस कर रहे हैं देखिए। देखिए दोस्तों जैसे आसमान को छूते हुए पहाड़ और बादलों के ऊपर हम पहुंच चुके हों, यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं सामने, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पब्लिक है और दूर दूर तक गई हुई है। अभी यहाँ पे आपको कम दिख रहे हैं, इससे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोग गए हैं। लोगों के आने से यहाँ पे थोड़ा कारोबार में फ़र्क पड़ता है। यहाँ के लोकल लोग जो हैं जो घोड़े वगैरह रखते हैं वो घोड़े अपने यूज़ करते हैं यहाँ सवारी के लिए, घोड़े की सवारी करते हैं, कुछ पैसे वगैरह रखे होते हैं। देखिए वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। You know.
दोस्तों ये है घोड़ा गली। घोड़ा गली देखिए, ये पहाड़ों से ही ये चश्मा आता है। देखिए कितना खूबसूरत चश्मा है, ये पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, टंकी वंकी नहीं है यहाँ पर। देखिए कैसे देखिए पानी का, और एकदम ठंडा पानी है। इस जगह का नाम है घोड़ा गली, गूल में ये जगह है। यहाँ पे पांडवों ने स्टे किया था, जब पांडवों का टाइम था तब यहाँ पे पांडव रहे थे। बादलों को छूते हुए पहाड़, हरे भरे पहाड़, खुला मैदान, मैदान में झूमते हुए लोग, देखिए दोस्तों एक बच्चा अपने घोड़े के साथ यहाँ पे मौजूद है। आप इसकी सवारी ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में। तो आइए दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका, आप आइए यहाँ पे, अपना टाइम बिताइए, और जब भी जम्मू में टाइम मिले घूमने का तो दगन टाप रामा कुंडा में ज़रूर आइए घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है, मन को शांति मिलेगी आपकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि आपका ये दोस्त और ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों को। Thank you very much. Thank you.